गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे मैंने 31st की लास्ट राइड ऑफ द ईयर करने मैं कर रहा था, तो ये वही व्लॉग का कंटिन्यूएशन है। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द डे जहाँ पे मैं 31st अभी मनाने वाला हूँ। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैं मेरे दोस्त के फार्म हाउस पे आया हूँ। सो एक्चुअली उसके नानी का घर है मेरे दोस्त के, और फार्म हाउस थोड़ा सा एक 5 मिनट्स की दूरी पर है। तो गाइस आज हमारा प्लान है यहाँ पर कैंपिंग करने का। तो कैंपिंग सेटअप ये सब, मतलब जो उसका कज़िन भाई है वो पुणे से सब पूरा कैंपिंग सेट ला रहा है। तो एक्चुअली नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स में वो लोग भी यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो तब तक के लिए हम मेरा जो दोस्त है उसके घर पे अभी 1-2 घंटे की नैप लेने वाले, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग। सुबह 10 बजे निकले थे और अब भी जाके जस्ट पहुँचे, तो 1-2 घंटे की नैप के बाद मिलता हूँ आपको। Hey guys, welcome back. Good evening everyone. तो यार अभी 2 घंटा नींद पूरी करने के बाद अभी हम लोग अभी जो लोकेशन पे पहुंचना था कैंपिंग करने, टेंट डालने के लिए, तो हम लोग पहुंच चुके हैं। तो अभी कैंप डालने का काम हो चुका है। मैं अभी मेरे कैंप के अंदर से ही बात कर रहा हूँ, टेंट के अंदर से। आप देख सकते हो दिस इज टेंट बुक हो गया है। हम लोग का भी टेंट बुक हो गया, ग्रीन वाला। कौन सा? ये वाला क्या? हाँ। बुक कर दो, कुछ तो भी रख दो, तेरी बैग भी रख दे अपने अंदर। ये टेंट में जो सोएगा ना, देख के जाओ अंदर। ये टेंट बंद करूंगा आज सगळे। है गुड मॉर्निंग गाइस। सो यार अभी सुबह के बज चुके हैं 7:30 और मैं सबसे पहले उठ चुका हूँ। कुछ ज़्यादा नींद आई नहीं, मैं कुछ तो 4-4:30 बजे तो सोया था रात को ही, और अभी 7:30 बजे नींद भी खुल गई। बहुत कच्ची नींद थी, ठंडी भी बहुत अच्छी खासी है यहाँ पे, मतलब टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा लो गया था रात को भी। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा स्नीजिंग टाइप भी होगा था, कोई ना। बट द थिंग इज़ अभी जैसे मॉर्निंग में उठा था मैं, सो दिस इज़ द रेड बॉल, ना सन भी आ चुका है, और ये पूरा कैंप साइट पे, और आपको जितना भी ये पूरा एरिया दिख रहा है ये पूरे ये दोस्त के फार्म हाउस के अंदर ही है। ये उसका पूरा एरिया उसका ही है। सो इट्स लाइक 12-13 acres ही ओन्स इट। तो यार अभी ये लोग पता नहीं कब उठेंगे,
कैसे 9:30 बजे तक ये लोग उठ जाने चाहिए। अगर तब तक ये उठते हैं तो उसके बाद हम लोग पूरा रैप अप करेंगे यहाँ से चीज़ें, उसके बाद लंच करेंगे, और लंच करने के बाद एक अराउंड मुझे जितना लगता है एक 2-2.5 बजे यहाँ से हम लोग शायद निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से घर पहुँचने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, हार्डली 1-1.5 घंटा मैक्सिमम, दैट्स ऑल। सो कीप वॉचिंग द व्लॉग, आपको ऐसे ही अपडेट करता रहूँगा व्लॉग्स। थैंक यू गाइस। हे गाइस, वेलकम बैक। तो हम लोग अभी फार्म एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं। सो मैं एक मेरे नए दोस्त के साथ हूँ। हे मनमित, हाय हाय गाइस, दिस इज मनमित, ही इज़ फ्रॉम पुणे। तो अभी हम लोग, मेरे दोस्त जिसके साथ आया था मैं, उसका फार्म एक्सप्लोर करने निकले। ये पूरा फेंसिंग देख रहे हो, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हो। हम ये तरफ से चल रहे, जहाँ पूरा उबड़ जाबड़ लैंड है और अंदर पूरा मतलब फार्मिंग किया हुआ अच्छे से। हम लोग अभी वही एक्सप्लोर करने निकले हैं। ये देख सकते हो आप, पूरा रॉक निकला हुआ है। तो ये मोस्टली जितना भी आपको ये फेंसिंग वाला एरिया दिख रहा है, ये मेरे दोस्त का पूरा फार्म एरिया है इसका। एंड जो आपको विलेज दिख रहा है, एक्चुअली ये यहाँ पे 2 पार्ट्स में ये विलेज डिवाइडेड है। जहाँ हम लोग कल स्टे कर रहे थे, अगर आपने व्लॉग के स्टार्टिंग में देखा होगा तो दैट इज़ द लोअर विलेज, उसको लोअर वलवन बोलते हैं। और जो विलेज आपको यहाँ पे अभी दिख रहा है, दिस इज़ अपर वलवन। और ये विलेज बहुत छोटे विलेज है, हार्डली इसमें 10-15 घर रहेंगे, नॉट मोर देन दैट। सो लेट्स हैव अ लुक एट द फार्म। रात भर कैंपिंग करने के बाद लोगों को लगा कि यार कुछ स्विमिंग करते, क्योंकि हमारे फार्म में स्विमिंग पूल नहीं था और हम लोगों ने लगा कि थोड़ा और रिफ्रेशमेंट और इन्जॉयमेंट चाहिए था। तो हम लोग अभी अभी पहुँचे हैं यहाँ पे पाटिल सरांच के यहाँ पे। तो अभी हम आपको उसके ओनर, उनके ओनर से मिलाएंगे। हाय सर, वेल्कम टू पाटिल सरांच, एंड माई सेल्फ ओमकार पाटिल, ओनर का बेटा बेसिकली। सो पाटिल सरांच में हमारे यहाँ पे 10+ एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, लाइक ज़िपलाइन, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, बर्मा ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज एंड एवरीथिंग। उसके बाद जो अपनी फन एक्टिविटीज़ है, जिसमें आता है स्विमिंग पूल, रेन डांस। वो रेन डांस तो आई गेस आपने किया है? यस, स्विमिंग पूल, स्विमिंग तो किया आप लोगों ने। एक्सपीरियंस बहुत सही था, सही था, अच्छा था, बिकॉज थोड़ा सा डीप रखा है, सो दैट यू कैन जंप एंड ऑल द स्टफ। सो ये सब है, एंड बाकी तो कैंपिंग वगैरह तो होती है, देख सकते हैं। तो आपका सर एड्रेस कहाँ का है एग्जैक्टली, अगर लोग किसी को आपको टैग करना है तो? अभी एड्रेस, एग्जैक्ट एड्रेस अगर बताऊँ, अगर आप बॉम्बे से आ रहे हो तो जो खलापुर टोल नाका है, वहाँ से एग्जैक्टली 10 किलोमीटर्स पे है, अलीबाग रोड पे।
यू हैव टू टेक राइट फ्रॉम दी टोल नाका, और अगर आप पुणे से आ रहे हो तो वापस पालीफाटा से 10 किलोमीटर से जस्ट लेफ्ट लेना है, अलीबाग रोड से जाना है, और खोपुली से 15 किलोमीटर पे. इफ एनीवन इज कमिंग बाय बाइक दे हैव टू गो टू खोपुली फर्स्ट, तो खोपुली से वापस अलीबाग. होपफुली गूगल मैप भी गाइड कर देगा इसके लिए. करता है, मैंने ऐड भी कर दिया है लोकेशन को, बहुत उसके लिए मेहनत करनी पड़ी पहले. 10 से 12 बार मैंने चेक इन किया FB पे, तब जाके उसने लोकेशन डाला है, अभी मैप पहुंचाता है यहां पे. परफेक्ट सर, दैट वाज ग्रेट फ्रॉम योर साइड. सो गाइस, हाउ वाज द जोश? इट वाज ऑसम. सो गाइस, वी आर लॉगिंग अप फ्रॉम द पाटिल्स रंच. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.